स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फार्मा नोट्स। दोस्तों, इस चैनल पर आपको फार्मेसी के सारे जेन्युइन हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे नोट्स PCI के अकॉर्डिंग हैं। दोस्तों, मैं आपको थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सभी चैप्टर के नोट्स एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करूँगा। सो, आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर जिसका नाम है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस वजह से इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज मैं आपको इसका पहला पार्ट जिसमें फ्लूइड स्टैटिक्स और मैनोमीटर इट्स टाइप आते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी फार्मेसी लाइन में इस चैप्टर का क्यों पढ़ना ज़रूरी है। जब आप किसी फार्मा कंपनी या फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको फ्लूइड के बड़े बड़े टैंक दिखेंगे। उस टैंक में लिक्विड की क्या अमाउंट है उसको मेज़र करना, उसके फ्लो को मेज़र करना और बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन होती है, वो सारी कैलकुलेशन इस चैप्टर की हेल्प से हमें जानने को मिलती है, उसको सॉल्व करने को इस चैप्टर की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर सबसे पहले हमारा आता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? अगर हम अपनी सिंपल भाषा में कहें तो फ्लूइड इज़ एनीथिंग विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, इज कॉल्ड फ्लूइड। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूली डिफॉर्म फ्लो अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस। मतलब फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो किसी अप्लाइड शियर स्ट्रेस पर के अंडर ही फ्लो करेगा, उसको हम फ्लूइड कहेंगे। अब हम फ्लूइड फ्लो के बारे में जानते हैं। फ्लूइड फ्लो मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टोर्शन। यानी कोई भी फ्लूइड जिस शेप या साइज में फ्लो कर हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली उसी शेप या साइज में फ्लो हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस जानेंगे कि फ्लूइड फ्लो की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर हम फ्लूइड और फ्लो में अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड ये जानने को मिलेगा। फ्लो ऑफ फ्लूइड वाइल ब्रेकिंग कोलेप्सेबल ट्यूब, यानी किसी भी ट्यूब में फ्लूइड का फ्लो कितना हो कि ट्यूब ब्रेक हो जाए ये जानने को मिलेगा। और फ्लो ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन वाइल पोरिंग, यानी सॉलिड पार्टिकल्स का फ्लो सस्पेंशन में पोरिंग के दौरान कितना है वो जानने को मिलता है। अब हम फ्लूइड फ्लो के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, पहला है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स इट डील्स विद द फ्लूइड एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये उन फ्लूइड्स की बात करता है जो कि रेस्ट पोजीशन में हों, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन। ये उन फ्लूइड्स की बात करता है जो कि मोशन में हो। अभी हमें फ्लूइड स्टैटिक्स ही पढ़ना है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, हल्का सा मैं आपको उसको जूम करूँगा। इस डायग्राम में आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, पहला पॉइंट है वन और दूसरा पॉइंट है टू। ये एक टैंक है और इसमें दो होल किए गए हैं, एक पॉइंट वन पे, एक पॉइंट टू पे। पॉइंट टू पे जो लिक्विड का फ्लो है वो ज़्यादा है, पॉइंट वन पे जो लिक्विड का फ्लो है वो कम है। क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पे जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ज़्यादा है और पॉइंट वन पे जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कम है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम आगे यही इनके बीच का डिफरेंस उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यह हमारा टॉपिक है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड। मतलब क्या प्रेशर डिफरेंस है लेयर ऑफ लिक्विड्स में। सो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये वही डायग्राम है। अब इसमें हम पहले मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें दो पॉइंट्स हैं, सेम पिछले डायग्राम की तरह इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट वन और पॉइंट टू। ये एक टैंक है, इसमें कोई होल नहीं है। इसमें हमें ये बताना है कि पॉइंट टू पे क्या प्रेशर है और पॉइंट वन पे क्या प्रेशर है,
और इस पे कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे, और इनका प्रेशर डिफरेंस हमें वो मेज़र करना है। तो जो हमारा पॉइंट वन है उसकी हाइट है एच वन, और जो पॉइंट टू है उसकी हाइट है एच टू, और ऊपर से जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो है सरफेस प्रेशर, और नीचे ए यानी अप्लाइड प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस हम इसको फाइंड करते हैं। एट प्रेशर एट पॉइंट वन, प्रेशर एट पॉइंट वन क्या होगा पहले हम वो जानेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट पॉइंट वन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द सरफेस प्लस में फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड अबव पॉइंट वन। यानी जो फोर्स लिक्विड मतलब पॉइंट वन पे जो लग रहा है वो किसके इक्वल होएगा, जो फोर्स सरफेस से लग रहा है प्लस में जो लिक्विड का जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो, उन दोनों का जो प्लस होएगा वो हमारा पूरा फोर्स होएगा जो पॉइंट वन पे लग रहा है। और हमें ये चीज़ पता होगा कि जो फोर्स होता है हमारा उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो हर जगह हम फोर्स को हटाकर प्रेशर इंटू एरिया लिख देंगे। तो पहला वाला जो हमारा पॉइंट वन पे जो हमारा फोर्स था वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट वन इंटू में एरिया इज इक्वल्स टू में प्रेशर ऑन सरफेस इंटू एरिया प्लस में मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ हमने मास क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की हमें डेंसिटी मेज़र करनी है, इस वजह से हम यहाँ पे हमने लिक्विड का मास लिया है। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर यानी पी वन पॉइंट वन पे क्या लग रहा है वो पी वन लिखा है हमने, और एरिया को मैंने एस से डिनोट किया है। तो पी वन इंटू में एस इज इक्वल्स टू में जो सरफेस पे लग रहा है प्रेशर वो पी टू और इंटू में एरिया जो कि एस से डिनोटेड है। और हम पता है मास क्या का फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास को मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में लिख दिया है, और इंटू एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारी कितनी एक्सीलरेशन लगा रही है वो लिखा है हमने। तो आगे हम करेंगे, वॉल्यूम को हमने हाइट इंटू में एरिया में लिख दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट दी गई है इसलिए हमने हाइट को मेंशन करने के लिए वॉल्यूम को हाइट इंटू एरिया में लिख दिया है। तो पी वन एस इजक्वल्स टू में पी टू एस प्लस में हाइट इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको सिंबल्स में लिखेंगे, तो पी वन एस इक्वल्स टू में पी टू एस प्लस में एच वन यानी हाइट, एस यानी एरिया, और रो यानी डेंसिटी, और जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल भाषा में पॉइंट वन पे क्या प्रेशर कितना प्रेशर लग रहा है वो है पी पी एस प्लस में एच वन इंटू में रो इंटू में जी। और वहीं प्रेशर एट पॉइंट टू पे क्या है, पी टू इजक्वल्स टू में पी एस प्लस में एच टू इंटू में रो इंटू में जी। अब हम इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों लेयर पे क्या क्या प्रेशर लग रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है हमें। तो बेसिकली हम पी टू माइनस पी वन कर देंगे, मतलब पॉइंट टू का प्रेशर माइनस पॉइंट वन करेंगे इज इक्वल्स टू में पहले पॉइंट टू के लिखेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे और पॉइंट वन की इक्वेशन से माइनस कर देंगे। उसके बाद हम जी को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। उसके बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो चीज़ कैंसिल कर देंगे, और एच टू माइनस एच वन बचेगा, और फाइनल जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी डेल्टा पी इजिकल्स टू में डेल्टा एच इंटू में रो इंटू में जी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड है, डिफरेंस इन हाइट, मतलब जो डिफरेंस हाइट में आ रही है वही हमारी प्रेशर की डिफरेंस में, वही हमारी प्रेशर डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे मैनोमीटर्स की। मैनोमीटर्स क्या होता है, सिंपली एक डिवाइस है जो यही प्रेशर डिफरेंस हमारे मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है।
तो हम टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स कितने होते हैं, दो टाइप के मैनोमीटर होते हैं, वह सॉरी तीन टाइप के मैनोमीटर्स होते हैं। हमें वैसे पढ़ना दो ही टाइप्स के हैं, हमें जो ये थर्ड टाइप है इंक्लाइन मैनोमीटर ये नहीं पढ़ना है। तो पहला टाइप है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर और थर्ड है हमारा इंक्लाइन मैनोमीटर्स। और हमारे सिलेबस में हमें सिंपल और डिफरेंशियल ही पढ़ना है। तो पहले हम सिंपल को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा सिंपल मैनोमीटर्स नाम के अनुसार पता चलता है कि ये सिंपल है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ग्लास ट्यूब हैविंग टू एंड्स। ये एक यू ट्यूब शेप में का ग्लास ट्यूब है जिसके दो एंड्स होते हैं। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है और यू शेप ग्लास ट्यूब होता है ये। और टू लिक्विड्स आर फिल्ड दैट आर इमिसिबल। इसमें दो लिक्विड फिल किए जाते हैं जो कि आपस में इमिसिबल होते हैं। और डेंसिटी फॉर लिक्विड ए इज़ रो ए और डेंसिटी फॉर लिक्विड बी इज़ रो बी। अब मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये एक यू ट्यूब शेप का एक ग्लास ट्यूब है, इसमें दो लिक्विड है। लिक्विड बी आप देख पा रहे हैं ऊपर साइड है और लिक्विड ए नीचे साइड है। जब हम प्रेशर P1 लगाते हैं पॉइंट वन पे, तो जो हमारा लिक्विड ए है उसका जो मेनिस्कस है हल्का सा अप हो जाता है। तो ये अब हम इसमें प्रेशर डिफरेंस मेज़र करेंगे कि P1 पे मतलब पॉइंट वन पे क्या प्रेशर था, पॉइंट टू पे कितना प्रेशर है, इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर एट पॉइंट टू क्या प्रेशर लगेगा वो मेज़र करते हैं। हमने जो पीछे इक्वेशन किया था कि पहले प्रेशर प्लस में हाइट प्लस में डेंसिटी इनटू में ग्रेविटी, सेम इक्वेशन यहाँ भी यूज़ होगी। तो पहले का पॉइंट टू पे कितना कौन सा प्रेशर लग रहा है, P1, और इसकी हाइट क्या है, एम प्लस आर, और इसकी डेंसिटी रो ए मानी है हमने और ग्रेविटी हमने जी मानी है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो P2 पे तो ये होगा P1 प्लस एम प्लस आर और रो ए इंटू जी। और क्योंकि पॉइंट टू और पॉइंट थ्री दोनों सेम हाइट पे हैं तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो सेम ही होगा। बस यहाँ पे जो डेंसिटी है वो पी बी रहेगी, वो रो बी रहेगी, और वहाँ पे जो डेंसिटी थी रो वो रो ए थी। तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस एम प्लस आर रो ए इंटू में जी। ये प्रेशर टू के लिए और प्रेशर मतलब पॉइंट टू के लिए, और पॉइंट थ्री के लिए क्या होगी, P1 प्लस एम प्लस आर रो बी इंटू में जी। और अब प्रेशर फोर निकालेंगे, मतलब सॉरी पॉइंट फोर का प्रेशर निकालेंगे, तो वो क्या होएगा, P2 प्लस में M इंटू में रो B इंटू में Z। और यहाँ की जो हाइट है वो M है, इस वजह से हमने यहाँ पे N मेंशन किया है। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में जो हमारी, सिंस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड A विद हाइट R नो डेवलप प्रेशर। जो लिक्विड की डेंसिटी ए है और इसकी जो हाइट आर है वो प्रेशर डेवलप नहीं कर पा रही है, इस वजह से इसको हम पॉइंट थ्री से माइनस कर देंगे। और जो हमारा ये इक्वेशन आएगा उसको हम पॉइंट फोर के इक्वल रख देंगे। तो बोथ द इक्वेशन 3 और 4 शुड बी इक्वल, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं, दोनों को इक्वल रखेंगे और हमारा प्रेशर डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा। तो P1 माइनस P2 इजिकल्स टू में M रो बी जी माइनस में M प्लस आर रो बी इंटू में जी प्लस में रो ए आर इंटू में जी। सो डेल्टा पी इजिकल्स टू में M रो बी जी माइनस M रो बी जी प्लस में R रो ए जी माइनस में R रो बी जी। अब इसमें से ये दो चीज़ दो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी और एंड में हमारा क्या बचेगा, आर इजकल्स टू में रो ए जी माइनस में आर रो बी जी।
तो डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, मतलब क्या प्रेशर डिफरेंस निकलेगा फाइनली, कि आर ब्रैकेट में रो ए माइनस में रो बी ब्रैकेट क्लोज इनटू में जी, ये हमारा प्रेशर डिफरेंस निकलेगा। सो आर वैल्यू दैट इज़ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड ए इन दिस टू लिम्स, इन दोनों लिम्स में जो हमारा आर वैल्यू है वो हमारा डिफरेंस है दोनों के लेवल में। अब हम बात करेंगे कि सिंपल मैनोमीटर का क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि टू कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस ऑफ गैस, और दूसरा इसका एप्लीकेशन है टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूड इन वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर एंड आल्सो इन बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, यहाँ यहाँ इसका एप्लीकेशन है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर्स की। ये बिल्कुल सिंपल मैनोमीटर्स की तरह ये भी होता है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि इट इज़ अ सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, ये स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए सूटेबल होता है। और इट इज़ आल्सो नोन एज टू फ्लूड यूट्यूब मीटर, इसको टू फ्लूड यूट्यूब मीटर भी कहते हैं। इट कंटेंस टू इमिसिबल लिक्विड नियरली सेम डेंसिटी ए एंड बी, इसमें जो दो लिक्विड है ए और बी उसकी सेम डेंसिटी है, और सी जो लिक्विड सी है उसकी थोड़ी डिफरेंट है। और दिस यू शेप ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ इनलार्ज चैम्बर्स ऑन बोथ लिम्स, और इनके दोनों लिम्स से एक इनलार्ज चैम्बर मौजूद होता है। सो अगर हम इसको इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो ये भी एक यूट्यूब ग्लास ट्यूब है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, जहाँ प्रेशर दो जगह से प्रेशर लग रहा है दोनों लिम्स पे, एक तो P1 प्रेशर एक तो P2 प्रेशर, और इसमें तीन लिक्विड हैं, लिक्विड बी लिक्विड ए और लिक्विड सी, लेकिन लिक्विड बी और लिक्विड सी लिक्विड ए दोनों दोनों की जो डेंसिटी है वो लगभग सेम है, इस वजह से इन दोनों को हम मतलब एक ही को मानेंगे हम, चाहे आप लिक्विड बी ले लीजिए चाहे आप लिक्विड ए ले लीजिए, लेकिन जो लिक्विड सी की डेंसिटी है वो इससे ज़्यादा है, इस वजह से जो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि जो इसका प्रेशर डिफरेंस निकलेगा वो डेल्टा पी इजक्वल्स टू में P1 माइनस P2, यानी अगर हम प्रेशर वन और प्रेशर टू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, सेम जो हमने पीछे लिया था कि इसमें आर यानी इसका जो हाइट है वो हम बाहर ले लेंगे, और रो सी माइनस रो ए, रो सी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और उसको रो ए से माइनस कर देंगे और इनटू में ग्रेविटी ले लेंगे, तो इससे हमारे क्या निकल जाएगी, प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगी। तो ये ख़त्म हुआ हमारा आज का पहला पार्ट, जिसमें हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर को एक्सप्लेन किया और सिंपल मैनोमीटर को एक्सप्लेन किया। अब हम अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम फ्लूइड डायनेमिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।